बीजेपी प्रदेश प्रभारी के दौरे के बाद बीजेपी एक्शन में है। बिलासपुर में धान खरीदी के मुद्दे के बाद बीजेपी नगर निगम इलाके में विकास के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश में लगी है। गुरुवार को 4 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों के साथ बीजेपी नेताओं ने विकास भवन के सामने धरना दिया। धरना में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल शामिल हुए। उन्होंने नगर निगम क्षेत्र में शामिल गांव के विकास नहीं करने का सरकार और नगर निगम पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस बार हम सिर्फ मांगों का ज्ञापन सौंप रहे हैं, यदि मांग पूरी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन करेंगे। हम ये जो धरना है कि नगर निगम की सीमा में जो वृद्धि हुई है उसमें संपूर्ण विकास के काम कराएं, और आज तो क्योंकि लोकतंत्र पे हमारा विश्वास है, अगर उसके बाद भी नगर निगम नहीं चेताया तो हम उग्र आंदोलन भी करेंगे। मुंगेली के लोगों के लिए बीजेपी सरकार के वक्त पार्क का तोहफा दिया गया। 2 करोड़ की लागत से 6 महीने पहले पार्क का निर्माण भी हो गया, लेकिन उद्घाटन नहीं होने पर आम लोग पार्क का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। अधिकारियों का कहना है कि नेताओं के नहीं आने की वजह से पार्क का उद्घाटन नहीं हो पा रहा। जैसे ही उद्घाटन की तारीख तय होगी जानकारी दे दी जाएगी। वहीं करोड़ों खर्च होने के बावजूद भी लोगों की पार्क की सुविधा नहीं उठा पा रहे हैं, जिस पर अब बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस की सरकार है, उन लोग ये चाहते हैं कि जो अभी नवनिर्मित गार्डन है उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किया जाए, लेकिन आज 6 महीना हो गया है, गार्डन पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है और मुख्यमंत्री का राह देख रहे हैं, और राह देखते देखने के साथ साथ यहाँ की जनता और छोटे छोटे बच्चे और बहुत से मुंगेली की जनता इस गार्डन के लिए तरस रही है, क्योंकि ताला लगा हुआ है। पता नहीं मुख्यमंत्री जी कब आएंगे, कब इसका उद्घाटन होगा। हाँ, गार्डन बन गया है और हम लोग चाह रहे हैं कि उसमें वीवीआईपी के आगमन हो तो उसको लोकार्पण करें, और ये भी सही है कि आम जनता को लिए जल्दी खुलना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि जल्दी ही हम लोग प्रयास करके वीवीआईपी महोदय आएंगे और उनका उस समय हम लोग इसका लोकार्पण करेंगे।